ले जनाब था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई आपको इंतजार होगा कि डैक्स के फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं जो एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन का मतलब होता है वही वाली इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट भी है एक्स भी है वाई भी है वट एवर द वेरिएबल्स आते हैं तो वो क्या हैं और डैक्स के फॉर्मूलों की स्ट्रक्चर क्या है टेंशन ना लें अभी बताता हूँ यहां पर देखें डैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है फॉर एग्जाम्पल इट इज अ फार्मूला लैंग्वेज यूज इन पावर बी आई एक्सल एंड एस क्यू एल सर्वर एनालिसिस सर्विसेस ठीक है यूजअली डैक्स का जो फार्मूला स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सिमिलर होता है पावर बी आई में एक्सल में भी और बहुत ज़्यादा एस क्यू एल के सर्वर के अंदर भी इसी तरीके से डेटा मॉडलिंग की जाती है आई एम नॉट से ऑल ऑफ दैम लेकिन मोस्ट ऑफ दैम डेक्स इंडेक्स कुछ इस तरीके से होती है बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक रिजल्ट कॉलम को उसकी मैयर पर डिवाइड करना है कोई एक कॉलम है उसको दूसरे कॉलम पे आप डिवाइड करके एक एक्सप्रेशन लिखते हैं ठीक है और उसके लिए आप ऑपरेटर्स यूज करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या कम्पेरिजन ऑपरेटर होते हैं जैसे हम इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो गया या हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसे हम एंड और और नॉट बोला जाता है तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सप्रेशन को बनाने के लिए सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये ऑपरेटर्स होते हैं इनको मिला के या तो हम दो कॉलम्स को जमा करते हैं या दो कॉलम्स को माइनस करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या हम कहते हैं कि ये कॉलम इक्वल टू है दैट कॉलम के या हम कहते हैं कि इफ़ दिस कॉलम इज ग्रेटर देन और लेस देन तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं एंड का मतलब है कि ये काम भी करो ये भी करो दोनों साइडों वाला काम करो सो वी आर गोइंग टू सी दैट इन अ मिनट लेकिन डैक्स ऑपरेटर्स को समझने के लिए ये एक डायग्राम आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है फॉर एग्जाम्पल रिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस है एडिशन का माइनस है सब्सट्रैक्शन एस्टेरिक होता है मल्टीप्लीकेशन स्लैश होती है डिवीजन के लिए एंड दिस कैरेट साइन इज फॉर एक्सपोन कंपेरिजन के लिए यह होता है इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टलीवल टू दिस इज ग्रेटर टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू को हम एक्सलेगेमेशन मार्क एंड एकवल टू भी एक्सरक लैंग्वेजेस में यूज करते हैं टेक्सट के लिए हम एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं जब दो टेक्सट को कंकैटिनेट करना होता है ये वही ऑपरेटर है जो एक्सल के अंदर भी हम यूज करते आए हैं लॉजिकल ऑपरेटर में एंड हम इस तरीके से लिखते हैं और हम डबल पाइप ऑपरेटर के साथ लिखते हैं दो दफा पाइप लगा के ये पाइप वो है जो एंटर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है अगर आप अपने कीबोर्ड बोर्ड पर गौर करें एंटर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है देन यू यूज इन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल और ठीक है एंड और लॉजिकल और तो ये हमारे पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो डैक्स के अंदर यूज होते हैं तो बेसिकली डैक्स एक छोटी सी लैंग्वेज आप समझ लें नॉट नॉट अ लैंग्वेज एट एट सेल्फ लेकिन ये लैंग्वेज की तरह ही काम करती है टू गिव यू सम काइंड ऑफ आउटपुट्स। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल डेक्स एक्सप्रेशन क्या करते हैं इनका फंक्शन होता है ये प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं फॉर कैलकुलेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन हम नई कमांड नहीं लिख रहे जो कमांड्स पहले से बनी हैं जैसे एक्सेल के अंदर सम का फंक्शन है जैसे एक्सेल के अंदर एवरेज का फंक्शन है हम वही फंक्शंस को यूज़ करते हैं और नया काम करते हैं यानी कि उसी तरीके के कमांड्स बनी हुई हैं ठीक है कॉन्टेक्स्ट हम कैसे लेते हैं या तो रो का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले टेबल में बताया कि आप रो वाइज किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं या आप कॉलम वाइज किसी चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं रो वाइज कैलकुलेट करना या कॉलम वाइज कैलकुलेट करना विल लुक लाइक दिस अगर आप रो वाइज किसी चीज को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आ गई ठीक है और अगर आप कॉलम वाइज करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट यहाँ पे आ गया ठीक है तो ये रो वाइज़ है यानी कि ऑब्जर्वेशन वाइज इसे बोला जाता है और ये है कॉलम वाइज यानी कि वेरिएबल वाइज ठीक है ऊपर से नीचे को हम बोलते हैं कॉलम वाइज कैलकुलेशन इसको बोलते हैं रो वाइज कैलकुलेशन ये दोनों कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये डैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अब रो कॉन्टेक्स या फिल्टर कॉन्टेक्स जिसे हम कॉलम कॉन्टेक्स कहते हैं डेटा मॉडल के अंदर भी हम कॉन्टेक्स लगा सकते हैं तो रो कॉन्टेक्ट वो होता है कि हमने रो वाइज देखना कि एच रो पे क्या मसला हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है फिल्टर कॉन्टेक्सट हमारा होता है दैट अप्लाइज टू डेटा मॉडल डेटा मॉडल क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा आपको फिर समझ आ जाएगी समझने से पहले हमें की कंपोनेंट्स को समझना है टेबल्स जो हैं वो बेसिकली डैक्स का प्राइमेली ऑपरेट्स ओवर द टेबल्स एंड कॉलम्स टेबल्स के बिना डैक्स कुछ नहीं है टेबल डेटा नहीं होगा डैक्स काम नहीं करेगा इसका मतलब है डैक्स विल वर्क ओनली ऑन स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि टेबुलेटेड फॉर्म में जो डेटा होगा डैक्स उसी पे ही काम करेगा टेबल्स आर नेसेसरी टू यूज डैक्स फंक्शंस यानी कि कुछ रोज हैं कुछ कॉलम्स हैं देन डैक्स विल वर्क ठीक है work, दूसरी चीज ये है कॉलम्स को अगर देखा जाए यू कैन क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स बेस्ड ऑन डैक्स फॉर्मूला कॉलम जो है अगर आपके पास पहले एक कॉलम बना हुआ है आप नया कॉलम भी जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड कॉलम यानी कि पहला कॉलम आपके पास जो है उसी को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें या डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज कर लें जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं इन्हीं ऑपरेटर्स के साथ आप नया कॉलम बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है उसको उसमें दो जमा कर दो तो वो आपका नया कॉलम बन जाएगा उसमें से कुछ माइनस कर दो तो नया कॉलम बन जाएगा दो कॉलम्स को जमा कर लो तब भी नया कॉलम बन जाएगा तो इस तरीके से आपके पास जो बेसिक कॉलम्स बनाते हैं आप वो इस तरीके से बना सकते हैं देन कैलकुलेशन ऑन डेटा टिपिकली एग्रीगेशन ऑफन इन्फ्लुएंस बाय फिल्टर कॉन्टेक्ट दैट इज कॉल्ड मेयर्स तो हमारे पास टेबल्स होते हैं कॉलम्स होते हैं देन हमारे पास कैलकुलेटेड मेयर्स होती हैं कैलकुलेटेड मेयर्स क्या होती हैं जो आपके पास पूरे के पूरे कॉलम की मैयर हो जाती है या एक टोटल सम ऑफ सेल हो जाता है जैसे मैं मिसाल देता हूं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर टोटल बारह महीनों में मंथवाइज सेल है वो हमारी बेसिकली एक टोटल हमारे पास एक कॉलम के अंदर लिखी हुई है लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस साल की पूरी सेल कैलकुलेट हो तो वो सभी को सम करके एक कैलकुलेटेड मैयर मेरे पास आ जाएगी समझ आई बात की यानी कि एक वैल्यू आएगी कोई कॉलम कोई रोज नहीं है उसमें कोई रोल नहीं है उसका लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड मैयर्स ठीक है मेरे पास इसकी ना कोई रो का कॉन्टेक्सट है ना मेरे पास कॉलम का कॉन्टेक्ट है बट आई नो कि ये मेरे पास एक डेटा है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ठीक है इसी तरीके से आपके पास पावर बी आई और डैक्स को यूज़ करते हुए इन साइड एक्सल एज वेल यू कैन कैलकुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ मैयर्स जिन्हें हम कैलकुलेटेड मैयर्स बोलते हैं ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि कॉलम्स एंड मैयर्स में हमारे पास क्या फ़र्क है अब आपको दो चीजों में फर्क बताने वाला हूं कि डैक्स स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है और एक्सेल के फंक्शन में क्या फर्क होता है ठीक है ये दो चीजें आपको याद रखनी है इट विल बी वेरी इजी फॉर यू देन टू अंडरस्टैंड कि डैक्स आपको कैसे हेल्प आउट करता है ठीक है तैयार हैं जी इसको समझने के लिए ले ना स्टार्ट करते कैटेगरी है जी हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन की और अगर हमारे पास एक्सेल का फंक्शन देखें तो वह सम और उसके बाद हम सेल की रेंज दे देते हैं ए टू से लेके ए टेन तक फंक्शन क्या है सम फिर टेबल का नाम एंड देन उसका कॉलम दैट्स इट तो आप यहां पे रेंज नहीं देते सेल्स की आप कॉलम पूरे का पूरा देते हैं जिससे डेटा मॉडल क्रिएट होते हैं सो दैट मीन डैक्स का फंक्शन सेम ही है इसमें टेबल आ गया और कॉलम आ गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल की रेंज थी दोनों का काम यही है दोनों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो कॉलम्स में या सेल्स में है उन्हें जमा करना है फिर हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन है ईयर आ गया ईयर टेबल और डेट कॉलम इस तरीके से हम ईयर निकाल लेंगे इसका मतलब यह है कि एक फंक्शन है ईयर का जो एक डेट के कॉलम के अंदर से सिर्फ साल निकाल देगा यहां पे आप क्या करते हैं सेम फंक्शन यूज करते हैं लेकिन डेट लिख के या डेट के कॉलम के ऊपर लगा देते हैं सो दिस इज हाउ यू कैन सी ईयर हियर तो ये साल का निकाल देता है एक टेबल में से टेक्सट फंक्शन है कंकैटिनेट आप इस तरीके से करते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से करते थे तो यहाँ पे आपको टेबल देना जरूरी है किस टेबल की बात हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है इसको बोलते हैं टेबल का कॉन्टेक्स्ट या आप कॉलम का कॉन्टेक्स्ट इसको बोल दें ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर है ये टेबल का कॉन्टेक्स्ट है सेम वही चीज़ है यहाँ पर स्क्यर ब्रैकेट लगा दिए थोड़ा सा फैंसी करके और टेबल बोल दिया गया लॉजिकल फंक्शन इफ कंडीशनल लगा के कंडीशनल रिजल्ट वन रिजल्ट टू ठीक है यहाँ पे कंडीशन होगी आपकी इक्वल टू है लेस देन है जो भी लॉजिकल ऑपरेटर आपने यूज करना है वो यहां पे करेंगे एंड और वट एवर दर लॉजिकल ऑपरेटर यहां पर आप इफ कंडीशन यूज करते हैं सेम वही फार्मूला आप एक्सेल के अंदर यूज करते हैं देन यू हैव नेस्टेड फंक्शन यहां पे एक फंक्शन लगाया फिर दूसरा लगाया यही काम आप करते हैं एक्सेल के अंदर सिमिलर वे में यहां पे सिंपली आपने ये देखना है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं यहां पे दूसरे ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं दी मोस्ट ऑफ़ द टाइम फिल्टर फंक्शन के अंदर अगर आप जाएं तो टेबल एंड कंडीशन है फिल्टर की यहाँ पे नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट इन एक्सेल एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन नहीं होता अगर आप वी लुकअप या बाकी जगहों पे जाएं फिर हो जाएगा बट फिल्टर आप यूजुअली ऊपर जाके स्क्रीन के ऊपर करते हैं कैसे आप फ़िल्टर करते हैं एक्सेल के अंदर मैं भी आपको दिखाता हूँ आमें से काफ़ी लोगों को ऑटोमेटिकली पहले भी जानते हैं आप लोग कि फ़िल्टर करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वैल्यूज़ को फिल्टर कर लेते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैंने सी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू लेनी है तो ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई अगर मैंने एस की लेनी है तो मेरे पास एस की वैल्यू आ गई और आप डैक्स के यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट पावर बी ए के अंदर आप प्रॉपर ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के साथ एडवांस फंक्शन में कैलकुलेट भी है एक्सप्रेशन पूरे का पूरा आप लगा दें एंड देन फिल्टर लगा दें यहाँ पे कोई भी एडवांस फंक्शन नहीं होते सो so, कहने का मकसद ये है कि एक्सेल फंक्शन से एक स्टेप अप है डैक् डैक्स फंक्शन और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी और प्रोडक्ट को भी यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक uh, भी है और इसके अलावा आपके पास सीमेंटिंग मॉडल्स एट्सट्रा एक्सेट्रा अदर चीजें भी हैं कहने का मकसद क्या है सिंपल डैक्स को सीख लें माइक्रोसॉफ्ट की मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे आपके हाथ सीधे हो जाएंगे आप एफिशिएंट हो जाएंगे आप एक डेटा एनालिस्ट कहलावाने के, के काबिल हो जाएंगे अगर आपको डैक्स आता है ना बिलीव मी कोडिंग की जरूरत नहीं है आप सिर्फ डैक्स लैंग्वेज जो छोटी सी फंक्शंस हैं इनको सीख जाए जो पहले से बने हुए हैं एंड दैट्स इट आप एक प्रॉपर पावर बी आई डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं या पावर बी आई डेवेलपर बन सकते हैं एंड बिलीव मी इनकी अच्छी खासी मांग है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी है पाकिस्तान के अंदर भी पावर बी आई की डिमांड बहुत है टैबल्यू की भी डिमांड बहुत है क्यों क्योंकि आपको डैक्स की अगर लैंग्वेज आती है देन यू कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दीज थिंग्स यहाँ तक आपको समझ आ गए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ डैक्स फंक्शंस के बारे में बताता हूँ आप डैक्स फंक्शन को यूज क्यों करते हैं टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं अगर आपके पास टेक्सुअल डेटा है कैटेगोरिकल डेटा एग्रीगेट करने के लिए यूज करते हैं अगर आपके पास नोमेरिकल डेटा मिन डेट फिल्टर रिलेटेड मैक्सिमम काउंटिंग्स के लिए ऑल के लिए एंड देन कैलेंडर एंड टेक्स्ट ये सारे के सारे डिफरेंट किस्म के डैक्स फंक्शन की कैटेगरीज हैं ठीक है और बिलीव मी सीखने के लिए याद या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है देर आर मैनी वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ पे ये प्रॉपर वे में आपको सारी की सारी चीटशीट जो हैं वो मिल जाएंगे ठीक है यानी कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को देखना चाहें तो आपको सारी की सारी चीट शीट फ्री में मिल जाएंगे यू डोंट नीड टू रिमाइंड बाय हार्ट फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर बाय हार्ट नॉट रिमाइंड रिमेंबर बाय हार्ट मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको गूगल पे जाए यहां पर लिखें पावर डी ए डैक्स चीट शीट ये आपने लिखना है आपके सामने पहली चीट शीट आ गई ये लें जनाब एक ऐसी चीट शीट है जो पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपके पास अवेलेबल है example, अगर कोई भी easy, example, column, तो things, और ये डैक्स जो है ये बेसिकली आपको साथ में फंक्शन भी बताता है और उसका काम भी बताता है कि किस तरीके से आपने वो डैक्स का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है और एक चीट शीट नहीं है हज़ारों चीट शीट पड़ी हुई हैं अगर आप गूगल पे जाएंगे जैसे ये डेटा कैम्प की है आप यहाँ पे देखें जो हमने अभी ओपन की है फिर ये आपके पास डैक्स चीट शीट फॉर बिगनर्स यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ से भी आप इस चीट शीट को देख सकते हैं इसके अलावा एक और काम भी आप कर सकते हैं कि आपके पास जो राइट साइड पर माइक्रोसॉफ्ट को पाइलट पड़ा हुआ है ठीक है अगर आप बॉटम राइट पर हैं यहाँ पर भी आप डैक्स फंक्शंस इन पावर भी चीट शीट फॉर प्रैक्टिस ये लिखेंगे बिलीव मी इसी ने आपको इतना जबरदस्त आंसर दे देना यू डोंट नीड टू गो एनीयर ठीक है सो so यहीं से आप प्रॉपर एक फंक्शन ले के उसके ऊपर काम कर सकते हैं एनी वन दो इट विल गिव यू सम आंसर एज वेल कहने का मकसद क्या है कि आपको टैक्स सीखने से अब कोई भी नहीं रोक सकता अंटिल यू आर नाट लर्निंग इट अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है ठीक है अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डैक्स को यूज कैसे करना है यहां तक आपको क्लियर हो गया जी डैक्स होता क्या है डैक्स किसके लिए है पावर बी और एक्सेल में डैक्स किस तरीके से काम करता है और डैस्क की कौन कौन से फंक्शन या एक्सप्रेशन होते हैं चीट शीट कहाँ पर पड़ी है और किस तरीके से आप डैक्स को सीख सकते हैं पसंद आई है वीडियो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर